figure shows a parallel plate capacitor. Here a parallel plate capacitor with plates of width B and length L. आपको डायग्राम ऐसा दिखाया गया है और ये एक डाइलेक्ट्रिक है K. मैंने डायग्राम ऐसा बनाया है, प्लेट प्रॉपर दिखाई है पीछे की तरफ, ये देखो तो प्लेट ऐसी दिखती है. तो प्लेट की विड्थ क्या है? B. ठीक है, प्लेट की विड्थ जो है वो B है. तो ये प्लेट ऑफ कैपेसिटर है, ये देखो ये प्लेट ऑफ कैपेसिटर है, ये रहा आपका कैपेसिटर, ये मैं शेड कर रहा हूँ, ये प्लेट ऑफ कैपेसिटर और ये इसकी पीछे की क्या है, प्लेट है जिसकी विड्थ क्या है, बी. ठीक है, नेक्स्ट है एंड लेंथ एल. चलो ये टोटल लेंथ भी पता कितनी है, टोटल यहां से यहां तक एल, एल और बी की डायमेंशन है. सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज डी, तो इनके बीच में सेपरेशन कितना है, डी. ये भी क्लियर है. एंड ये सिस्टम किसके साथ कनेक्टेड है, एक बैटरी के साथ कनेक्टेड है विद पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी. ठीक है, तो इसका मतलब कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा. तो कैपेसिटर की अपर प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और लोअर प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आएगा. अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस डी, तो डी थिकनेस की ही डाइलेक्ट्रिक स्लैब ये देख रहे हो. एंड डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के इज स्लोली इंसर्टेड बिटवीन दी प्लेट्स, तो प्लेट्स के बीच में हमने धीरे धीरे डाइलेक्ट्रिक डालना शुरू कर दिया. ठीक है, अब डाइलेक्ट्रिक जैसे जैसे अंदर जा रहा है हो क्या रहा है, आप जो डाइलेक्ट्रिक बाहर है उसको तो छोड़ ही दें, लेकिन जो अंदर एंटर कर गया ये बीच में क्या है, एयर, और बीच में क्या है ये वाला डाइलेक्ट, तो आपकी कैपेसिटर की वैल्यू चेंज हो गई. हमने किया ये क्वेश्चन कि अगर ऐसे कैपेसिटर्स कनेक्टेड है, दे आर सपोज टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल, C1 C2 पैरेलल, दो कैपेसिटर बन गए, ये एक कैपेसिटर या एक कैपेसिटर. अब प्रॉब्लम ये है कि जैसे जैसे डाइलेक्ट्रिक अंदर आता जा रहा है इसकी ये लेंथ बढ़ती जा रही है, लेंथ बढ़ रही है, कैपेसिटी चेंज हो रही है इसकी और इसकी, तो C की वैल्यू कॉन्टिन्यूसली क्या हो रही है, चेंज हो रही है. राइट, क्लियर है. तो आप स्लोली स्लोली इसको इसमें डाल रहे हैं. कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द सिस्टम व्हेन लेंथ एक्स ऑफ द स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द कैपेसिटर. तो कह रहा है कि ये देखो डाइलेक्ट्रिक मैंने कितना अंदर डाल दिया, एक्स, ये रहा एक्स, ये रहा एक्स, बाकी जो बाहर है छोड़ दो. तो ये डाइलेक्ट्रिक डाल दिया एक्स, तो बचा कितना, एल माइनस एक्स. अब ये दो कैपेसिटर बन गए, पहला कैपेसिटर विड्थ लेंथ एक्स का और दूसरा एल माइनस एक्स का, और डी विल रिमेन सेम. तो इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट. इसका एरिया, इसका एरिया क्या है, एक्स इंटू बी, एप्सिलॉन नॉट एरिया बाय डी इंटू डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के. और इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट, इसका एरिया बी इंटू एल माइनस एक्स अपॉन डी. एयर कैपेसिटर के नहीं आएगा क्योंकि ये पैरल कॉम्बिनेशन है, तो C1 प्लस C2 क्या आएगा, इन दोनों को ऐड कर लो. तो ऐड करेंगे, ऐड करके ये टोटल कैपेसिटी आ गई. कोई डाउट इसमें, कैपेसिटेंस क्लियर है. अब क्या निकालना है, एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकालनी है. तो हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल दी, वी बैटरी कनेक्टेड है तो एनर्जी क्या होगी, हाफ सी इंटू वी स्क्वायर, इसको वी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके ये तो एक आंसर आ गया. तो पहला आंसर क्लियर है, ऑनलाइन क्लियर है पहला आंसर, यस सर. ठीक, अब बी पार्ट है, वॉट फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन द स्लैब टू एंश्योर दैट इट गोज स्लोली इन टू द कैपेसिटर. फ्रिक्शन को छोड़ दें, ग्रेविटी को भी छोड़ दें, तो कितनी फोर्स लगाएं कि धीरे धीरे, एक्सेलरेटेड मोशन ही चाहिए डायलैक्ट्रिक की, धीरे धीरे कॉन्स्टेंट वेलोसिटी ये एंटर करता जाए. ठीक, तो एक नोट लिखा है मैंने इसमें, डाइलेक्ट्रिक विल गो इट्सेल्फ ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस विच इज ऑपोजिट इन साइन. आप खुद देखो कि अगर कोई प्लेट ऑफ कैपेसिटर है, ये देखो प्लेट ऑफ कैपेसिटर है, और प्लेट ऑफ कैपेसिटर क्या थी, ये पॉजिटिव, और सपोज ये क्या थी, नेगेटिव, और सपोज इसके बीच में क्या है, एक डाइलेक्ट्रिक है, पोलराइजेशन की वजह से ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव. तो ये प्लेट इस नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगी और नेगेटिव पॉजिटिव को खींचेगा, जिस वजह से डाइलेक्ट्रिक को ज्यादा फोर्स नहीं चाहिए होगी, डाइलेक्ट्रिक क्या होगा, अपने आप ही अंदर खिसकता जाएगा. पॉइंट क्लियर है, क्योंकि उसमें पोलराइजेशन, चार्ज अट्रैक्शन हो जाएगी तो वो खिसकता जाएगा.
ठीक है. अब क्वेश्चन वो क्या कह रहे हैं, वॉट फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन द स्लैब टू एंश्योर दैट इट गो स्लोली इन टू द कैपेसिटर. मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं डायलैक्ट्रिक को डालना चाहता हूँ तो मैं कितनी फोर्स लगाऊं कि वो डल जाए. मैं तो कहता हूँ फोर्स ही ना लगाओ, हाँ ऐसे ही छोड़ दो, अपने आप ही खींच लेगा कैपेसिटर, बात खत्म. लेकिन जब वो खींचेगा तो पता है क्या करेगा, तेज खींच लेगा, एक्सेलरेटेड मोशन हो जाएगी, फास्ट खींचेगा. उसने क्या कहा, स्लो. तो स्लो के लिए फोर्स डालने के लिए नहीं लगानी, उल्टा खींचने के लिए लगानी है, उल्टी फोर्स लगेगी कि कहीं वो तेज चला ना जाए. तो फोर्स विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन. पॉइंट समझ में आया यहां तक, तो फोर्स कहां पर होनी चाहिए, ऑपोजिट डायरेक्शन, सही है. अब ये फोर्स की वैल्यू निकालते हैं. देखो फोर्स की वैल्यू के लिए हमें क्या किया, बैटरी ने एनर्जी सप्लाई की कैपेसिटर को, कितनी की, मान लो बैटरी ने डी क्यू चार्ज दिया और V इज द पोटेंशियल, तो एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी क्या होती है, Q इंटू V, dQ इंटू V. क्योंकि dQ क्यों लिया, क्योंकि डायलैक्ट्रिक धीरे धीरे अंदर जा रहा है तो कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज है वो धीरे धीरे उसमें इंक्रीज होता जा रहा है, क्योंकि कैपेसिटी चेंज हो रही है ना, तो बैटरी से चार्ज धीरे धीरे आएगा. तो dQ इंटू V एनर्जी बाय द बैटरी. अब एक बात बताओ, ये एनर्जी बैटरी को बैटरी ने सप्लाई की, हमने जो काम करना है वो अपोजिशन में काम करना है, तो हमने कितना वर्क डन किया ताकि डायलैक्ट्रिक अंदर ना जाए, एफ इंटू डी एक्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल. अब इतनी एनर्जी बैटरी कहती है मेरे से ले लो, हम कहते हैं ऐसे कैसे ले लो, हम डायलैक्ट्रिक को जाने नहीं देंगे. तो जो बची हुई एनर्जी है वो किसको मिलेगी, कैपेसिटर को मिलेगी. तो कैपेसिटर की एनर्जी क्या होती है, हाफ सी वी स्क्वायर. लेकिन यहाँ जैसे जैसे डायलैक्ट्रिक अंदर आ रहा है, एक्स और एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है, कैपेसिटी चेंज हो रही है, तो इसलिए स्मॉल कैपेसिटेंस क्या ले लिया, डी सी. मान लो किसी भी इंस्टेंट पर कैपेसिटेंस डी सी इंटू वी का स्क्वायर, क्योंकि बैटरी तो वी की लगी हुई है. तो दिस इज द रिमेनिंग एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर. क्या ये स्टेप समझ में आ रहा है एनर्जी कंजर्वेशन का, कि ये एनर्जी बैटरी ने दी, जैसे मैं बैटरी हूँ, आप कैपेसिटर हो, आपके अंदर डायलैक्ट्रिक जा रहा है, तो मैंने आपको 100 जूल दिया, आप 100 जूल रखो. पर प्रॉब्लम क्या है कि 100 जूल, क्योंकि रूल ये होता है कि जो बैटरी है उसकी जो एनर्जी होती है वो Q इंटू V होती है, और कैपेसिटर की एनर्जी होती है हाफ सी वी स्क्वायर. हमने क्या डिस्कस किया था, 50% तो वैसे ही खराब हो जाती है, कैपेसिटर को हाफ सी वी स्क्वायर मिलती है और बैटरी क्यू वी देती है. यहाँ पर कैपेसिटर को क्यू वी भी, हाफ क्यू, हाफ सी वी स्क्वायर भी नहीं मिलेगी, यहाँ पर उससे भी कम मिलेगी. क्यों, क्योंकि मैंने कुछ एनर्जी को खराब कर दिया. तो मैंने क्या किया, वर्क डन जो है उसका खराब किया, उसकी एनर्जी को माइनस किया, तो बची हुई एनर्जी कैपेसिटर ले गया. एलसीएम लिया 2 यहाँ पे, तो या ऐसे कर लो, चलो छोड़ो, डी क्यू को लिखा सी वी, डी सी इंटू वी, तो ये टर्म आ गई. अब इसके अंदर डी सी इंटू वी स्क्वायर को, और ये डी सी इंटू वी स्क्वायर वाली टर्म्स एक तरफ और एफ टी एक्स एक तरफ, तो ये टर्म आ गई. इन्हें माइनस करेंगे तो ये टर्म आ गई, डी एक्स इसके नीचे आ गया तो ये टर्म आ गई, तो ये एफ की वैल्यू आ गई. सी की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल रखी है ऊपर, ये रही, किसी भी इंस्टेंट पर सी एक्स की टर्म में ये होता है. सी को यहाँ पुट करो, इसे डिफ्रेंशिएट करो, एप्सिलॉन नॉट बी बाई डी बाहर आ गया, के माइनस वन भी बाहर आ गया, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स और एल तो कांस्टेंट है, सॉल्व करके फोर्स की वैल्यू आ गई. मेडिकल में नहीं आएगा, नॉन मेडिकल वालों को मैंने बता दिया कैसे करना है, एनसीईआरटी में नहीं आएगा.